नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर जो है डेबिट कार्ड और ईएमआई से जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। जब हम एसबीआई एटीएम कार्ड का जो है डिटेल यहाँ पर डाल रहे हैं तो बताया जा रहा है दिस कार्ड इज नॉट सपोर्टेड। जब हमारा यहाँ पर कार्ड नहीं सपोर्ट कर रहा है तो हम ईएमआई पर जो है फ्लिपकार्ट से जो है कोई भी प्रोडक्ट जो हम नहीं ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर जो है डेबिट कार्ड और ईएमआई का ऑप्शन जो है इन बैंकों के द्वारा जो है सुविधा आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो आपको सबसे पहले जो है इजिबिलिटी जो है चेक करना होगा कि क्या हमारा डेबिट कार्ड पर जो है एटीएम कार्ड पर हम ईएमआई का सुविधा चालू है या नहीं। तो कैसे चेक करना है, आइए आज की इस नए वीडियो में जो है जानते हैं। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बार बार चैनल पर नया जो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस कार्ड इज नॉट सपोर्टेड पेमेंट करने का ऑप्शन क्यों नहीं है, आपके एटीएम कार्ड पर जो है ईएमआई का सुविधा चालू है या नहीं, कितना लिमिट भी मिला हुआ है नहीं, चेक कर सकते हैं। तो कैसे, अगर मान लीजिए आपका अकाउंट जो है एसबीआई में है तो आपको एक मैसेज करना होगा। मैसेज कैसे करना होगा, तो आप लोग जो है सबसे पहले मैसेज बॉक्स को जो है ओपन कर लीजिएगा। मैसेज बॉक्स को ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ ऊपर में जो है एक नंबर पर जो है आपको एसएमएस करना होगा, जैसे कि आपको बता दें 5676 पर एक एसएमएस करना होगा। इसके बाद आपको मैसेज में जो है मैसेज में टाइप करना होगा कैपिटल लेटर में DCEMI, इसके बाद आप लोग को जो है सेंड कर देना होगा। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आप लोग इस नंबर पर जो है मिस कॉल देकर जो है पता कर सकते हैं कि आपके डेबिट कार्ड पर एटीएम कार्ड पर जो है ईएमआई का सुविधा चालू है या नहीं, कितना लोन लिमिट मिला होगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका एसबीआई का एटीएम कार्ड जो है डेबिट कार्ड और ईएमआई का सुविधा जो है इस कार्ड पर अवेलेबल नहीं है, इसके एटीएम कार्ड का डिटेल डालकर जो है वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपने सेम मोबाइल नंबर से जो है फ्लिपकार्ट पर भी अकाउंट बनाया है, वही मोबाइल नंबर अगर आपके अकाउंट के साथ में जो है लिंक है, अगर आप पेमेंट करने पेज पर जाइएगा फ्लिपकार्ट पर, तो वहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ईएमआई वाला सेक्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा तो बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को जो है आप ईएमआई के जरिए जो है ले सकते हैं डेबिट कार्ड पर। तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है बता दिया गया, तो जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो अब आप जो है यहाँ से प्लान जो है चूज भी कर सकते हैं कि कौन सा प्लान जो हमें चाहिए, 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए। तो हमें देखिए 6 मंथ के लिए प्लान चाहिए। तो यहाँ पर ईएमआई का जो है डिटेल हमारे सामने जो है आ चुका है, तो हम चूज कर लिए। अब चूज कर देने के बाद अब आपको यहीं पर जो है पेमेंट करने का ऑप्शन जो है दिख रहा होगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक में जो है मेरा अकाउंट नहीं है। तो आप इसी तरीके से जो है पता कर सकते हैं कि आपका जो है ईएमआई का जो फीचर जो आपके कार्ड पर जो है चालू है या नहीं। देखिए अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो सेलेक्टेड कस्टमर को ही जो है इस सुविधा का जो है लाभ मिल रहा है बैंक की तरफ से, लेकिन कैसे एलिजिबल होना है इसके लिए आप बैंक में जाकर जो है पता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको मन में कोई भी एक डाउट चल रहा होगा, एक नीचे हमें प्यारा सा कॉमेंट करके जो है सवाल पूछ सकते हैं।